सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, इसी तरीके का स्टेटस अगर आप भी क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल देखने को ज़रूर मिलेगा। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सभी मटेरियल और HD वीडियोस इजीली मिल जाता है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको दो XML मिलेगा, एक है बीट मार्क का, एक है इफेक्ट का, ठीक है। तो ना आपको वो दोनों जो XML है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छे अगर मेरे लिंक से कैसे डाउनलोड करते हैं आपको अगर पता नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे आपको एक पिन किया हुआ एक वीडियो मिल जाएगा, सिंपल सा वीडियो देख के आप जो भी फाइल है आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, दोनों को अलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको ओपन करना है बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को, इस तरीके से देख सकते हो आपको इस तरीके से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, आपको एक रेक्टेंगल ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन ऐड करना है, एरो पे क्लिक करना है, फिर से एरो पे क्लिक करना है, फर्स्ट बीट मार्क पे आपको ये वाला लेके आ जाना है, ठीक है, रेक्टेंगल लेके आ जाना है। कलर एंड फिल में जाना है, ग्रेडियंट में जाना है, नीचे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर जो लाइन है आपको इस तरीके से खींच के सेंटर पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो व्हाइट कलर है इसको ब्लैक सिलेक्ट करना है, और लेफ्ट के साइड पे जो ब्लैक कलर है, ब्लैक के साइड वाले जो ये वाला है आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो सॉन्ग का लिरिक्स आपको सुन लेना है, लिरिक्स जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे आ जाना है, इस तरीके से। प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है, और आपका सॉन्ग का लिरिक्स आपको लिख लेना है इस तरीके से। उसके बाद लेफ्ट के कॉर्नर पे क्लिक करना है ताकि जो टेक्स्ट है सेंटर पे आ जाए। फॉन्ट्स पे जाना है, और आपको ये कनाडा पर्सनल यूज फॉन्ट सिलेक्ट करना है जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे देख के रखा है, ठीक है। उसके बाद साइज पे जाना है, साइज अपने हिसाब से इस तरीके से इंक्रीज कर लेना। उसके बाद कलर पे जाना है, व्हाइट कलर सेलेक्ट करना है, राइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद लिरिक्स सुनना है, जिस पॉइंट पे एंड तो इस पॉइंट पे जाना है, बाकी पार्ट को रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्लस पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है, सेकंड लेयर जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे आ जाना है, सिंपल से प्लस पे क्लिक करके पेस्ट लेयर कर देना है इस तरीके से। और लिरिक्स जिस पॉइंट पे एंड होता है उस पॉइंट पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद लिरिक्स पे क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में आना है, रिमूव करके जो भी आपका लिरिक्स आपको सिंपल से लिख लेना है। उसको राइट पे क्लिक करना है, इस तरह आपको क्या करना है, सभी जो सॉन्ग का लिरिक्स आपको सिंपल से लिख लेना है, ठीक है। इस तरीके से लिरिक्स लिख लेना है, सुन लेना है, जिस पॉइंट बैठे थे उस पॉइंट पे आपको आ जाने के बाद इस तरीके से आपको लेके आ जाना है। उसके बाद लिरिक्स पे क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में जो भी आपके लिरिक्स आपको सिंपल से लिख लेना है। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, तो सभी आपको लिरिक्स इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, ठीक है। इस तरह आपको सभी लिरिक्स को कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट कर देने आपको क्या करना है, फर्स्ट बीट मार्क पे आ जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको यहाँ पे इमेज ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे इमेज ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन ऐड करना है, नेक्स्ट बीट मार्क पे जाना है, बाकी पार्ट रिमूव कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, सभी इमेज को बीट मार्क के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से सभी इमेज को बीट मार्क के हिसाब से ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सभी इमेज को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बीट मार्क के हिसाब से सभी इमेज को इस तरीके से मैंने अच्छे से ऐड कर लिया। आप देख सकते हैं बीट मार्क के हिसाब से मैंने सभी इमेज को यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट पे और जो इमेज है इमेज पे आपको इफेक्ट देना है। तो आपको सिंपल से बैक आना है, XML पे जाना है, ठीक है। इस तरीके से XML पे जाना है, पहले आपको टेक्स्ट का जो इफेक्ट है वो सिंपल से कॉपी कर लेना है। बैक आना है, बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, सिंपल से आपके जितना भी लिरिक्स लिखा है सिंपल से आपको पेस्ट क्लियर कर देना है, ठीक है। पेस्ट इफेक्ट कर देना है इस तरीके से, जितना भी आपने लिरिक्स लिखा था पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से सिंपल इस तरीके से आपको पेस्ट कर देना है। अब देख सकते टेक्स्ट का काम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से बैक आना है, फिर से XML वाले इफेक्ट पे चले जाना है। अब देख सकते यहाँ पे दो इमेज है, ठीक है। आपको सिंपल से क्या करना है, फर्स्ट इमेज का इफेक्ट कॉपी कर लेना है। उसके बाद बैक आना है, फिर से बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, एरो पे क्लिक करना है, फर्स्ट इमेज पे आ जाना है, आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको एक इमेज छोड़ के सभी इमेज पे ये वाला इफेक्ट आपको पेस्ट करना है, मतलब एक इमेज छोड़ के आपको इफेक्ट पेस्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर लिया, फिर से एक इमेज छोड़ दिया, फिर से नेक्स्ट इमेज पे ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर दिया, फिर से एक इमेज छोड़ दिया, फिर से नेक्स्ट इमेज पे, इस तरीके से आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। एक इमेज छोड़ के आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट करना है, फर्स्ट इफेक्ट जो है एक इमेज छोड़ के आपको पेस्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर से बैक आना है, फिर से XML पे चले जाना है, सेकेंड इमेज का इफेक्ट कॉपी कर लेना है, ठीक है, कॉपी कर लेना है, बैक आना है,
बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे आने और जो भी इमेज आपने मिस किया था सभी इमेज पे वाला इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से जो भी इमेज आपने मिस किया था ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना, सेकेंड इफेक्ट जो है वो पेस्ट कर देना ईजिली, ठीक है। इस तरीके से पेस्ट कर देते हैं तो हमारा स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। थोड़ा सा लैग होगा, एक्सपोर्ट करने के बाद आपको अच्छे से पूरा एचडी क्वालिटी में दिखाई देगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम के आपको एचडी वीडियोस और इमेज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और दोनों एक्सएमएल जो है आपको क्या करना है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।